हेलो एवरीवन। तो कल हमने 9th स्टैंडर्ड के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलियंट फीचर्स का फर्स्ट पार्ट डन करा था, जिसमें हमने डेफिनेशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। देन हमने अडॉप्शन, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट पढ़ा था। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So today we will start with the next topic of the same chapter, that is salient features of the constitution. So as I told you yesterday, we will discuss according to our syllabus. So according to our syllabus, our first topic of the same chapter is, that is under fifth point, universal adult franchise. तो आज हम इससे discussion शुरू करने जा रहे हैं। तो इन योर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आएगा जनरली उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समटाइम वो फ्रेंचाइज की जगह पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वर्ड यूज़ कर लेते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड कि उनका दोनों का मीनिंग सेम है। सो यूनिवर्सल होता है फॉर ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अडल्ट मीन्स हेयर इन इंडिया अडल्ट कौन होते हैं? दोज हु आर 18 और मोर देन 18 ईयर ऑफ एज। फ्रेंचाइज यहाँ पे है राइट टू वोट और राइट टू चूज आर रिप्रेजेंटेटिव्स। लाइक अभी हम अपने MLAs और MPs को चूज करते हैं वोट के थ्रू, तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर आता है। एंड दिस इज द राइट गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया में। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दिस। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे जो गिवन है कि इन 1989 द वोटिंग एज वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। इट मीन्स जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा था, बनाया था, तो उसमें जो वोटिंग एज थी, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो थी, दैट वॉज 21 ईयर। देन लेटर ऑन इन द ईयर ऑफ 1989 हमने उसको लोअर डाउन कर दिया, 21 से हमने उसको कम करके एज रिक्वायरमेंट कर दी 18 ईयर। तो अभी ऑल द इंडियन सिटीजन्स दोज हु आर 18 और मोर देन 18 ईयर, उनके पास ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट गिवन है। तो यहाँ पे कभी कभी आता है कि ये जो एज थी वो कम क्यों करी गई थी। सो द आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड फॉर लोअरिंग द वोटिंग एज वॉज दैट इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द यूथ शैल मेक दैम मोर सेंसिबल मोर क्रिएटिव। कि जो हमारा यूथ है इंडिया का, उनको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना, कि अगर दे आर हैविंग द राइट टू वोट इट मीन्स दे कैन टेक एक्टिव पार्ट इन काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। तो उनको क्या होएगा, अवेयर हो जाएंगे अबाउट द पोलिटिकल सेटअप, अबाउट द जो भी हमारे लीडर्स होते हैं एंड ऑल। Then, the constitution gives voting right to every person. तो वो every person कौन कौन होंगे? First is who is a citizen of India. So first condition है कि voting right किसको मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सिटीजन है इंडिया के। देन नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, इट मीन्स मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 ईयर है। देन इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, मीन्स ये तो हो गई कंडीशंस जो रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको डिसक्वालीफाई ना करे। तो अगर उनके पास ये सब चीज़ें हैं कि सिटीजन भी हैं, 18 ईयर की एज भी है, और किसी अदर लॉ के अंडर उनको डिसक्वालीफाई भी नहीं करा गया है, देन दे आर हैविंग द राइट टू वोट और टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द जनरल इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द 17th लोकसभा वॉज हेल्ड इन अप्रैल मई 2019। जो हमारी प्रीवियस इलेक्शंस हुई थी, अभी एक रीसेंट इलेक्शन हुई है, तो आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, जो 17th लोकसभा इलेक्शन थी। द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन डेमोन्स्ट्रेट दैट द कॉम्पिटिशन फॉर पावर इन आर कंट्री इज़ ओपन नॉट सीक्रेटिव। इट मीन्स जब हमारी 17th लोकसभा इलेक्शंस हुई थी, इवन जो उससे पहले भी लोकसभा इलेक्शंस हुई हैं, यहाँ पे क्या है कि जो वोटिंग सेटअप है वो सभी के लिए ओपन है, ऐसा कोई सीक्रेटिव या सीक्रेट चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में बाकियों को नहीं बताया गया है, ये ओपन है। सभी वोटर्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं एंड वोटिंग का राइट है वो ओपनली इसमें पार्ट लेंगे।
एंड जो 17th लोकसभा थी उसमें नियरली 900 मिलियन पर्सन्स हैड द राइट टू वोट इन द 17th जनरल इलेक्शन. तो उस समय 900 मिलियन इंडियन सिटीजन्स के पास राइट टू वोट था जिन्होंने पार्ट लेना था 17th लोकसभा इलेक्शन में. सो दिस वॉज आर फर्स्ट पॉइंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यहाँ पे आपको जनरली आता है क्वेश्चन मीनिंग ऑफ दिस. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम इज सिंगल सिटीजनशिप. तो सिटीजनशिप क्या होती है कि जो भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिविजुअली हमें एक राइट मिल गया. वो राइट हम कह सकते हैं काइंड ऑफ लीगल स्टेटस कि जो हम हैं वो किस कंट्री के सिटीजन है, दैट इज़ ऑफ इंडिया. तो ये जो लीगल स्टेटस प्रोवाइड करा जाता है एक पर्सन को किसी कंट्री का सिटीजन होने का, वो हो गई उस कंट्री की सिटीजनशिप. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सी टाइप की सिटीजनशिप है. तो बाय नेम यहाँ पे क्लियर हो रहा है इट इज़ सिंगल सिटीजनशिप. सो लेट स्टार्ट विद दिस. सिटीजनशिप डिनोट्स अ लीगल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. इट बेस्टोज अपॉन इंडिविजुअल्स. तो कौन से राइट्स मिलते हैं एक इंडिविजुअल को जो किसी कंट्री का सिटीजन होता है, दैट इज़ फुल राइट्स, सिविल, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक. ये सारे राइट्स उसको मिल जाते हैं, सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो सोशल मींस हमारी सोसाइटी के सेटअप के साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिक राइट हैं, सारे के सारे उसको राइट मिलेंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और अगर किसी और कंट्री की बात होगी तो वहाँ के सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी उसके मीन्स पॉलिटिकल सेटअप होएगा या उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, तो जो भी वो राइट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहेंगे वो दे देंगे. ओके, देन इन रिटर्न, फॉर एग्जांपल आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई गॉट ऑल दीज राइट्स, देन इन रिटर्न फॉर द एलिगेंस एंड लॉयल्टी विच दे ओ टू द कंट्री. तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री के प्रति क्या शो करेंगे, दैट वी आर लॉयल टू आर ओन कंट्री. हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं अपनी कंट्री के लिए, हम लॉयल भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और कोई इसी तरह का कोई भी चीट या धोखाधड़ी नहीं करेंगे. नॉर्मली अंडर फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, उस सेटअप को हम बोलते हैं फेडरल सेटअप. तो इंडिया में हमने यही अडॉप्ट करा हुआ है फेडरल सेटअप. सो फेडरल सिस्टम देयर इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. तो कोई भी कंट्री जहाँ पे फेडरल सेटअप है वहाँ पे जनरली क्या होता है, ड्यूअल मीन्स डबल, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है. देन क्या होता है वहाँ पे, अ सिटीजन ऑफ द स्टेट टू विच अ पर्सन बिलोंग्स एंड दैट ऑफ द नेशन विच इंक्लूड्स ऑल द स्टेट. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, अभी तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, अगर सिंगल ना होती, ड्यूअल होती कि हमने तो फेडरल सेटअप अडॉप्ट करा है, तो सिटीजनशिप भी अगर ड्यूअल होती तो फिर क्या होना था. सो आई एम गिविंग माई ओन एग्जाम्पल, लाइक मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास दो सिटीजनशिप होनी थी, एक होनी थी द सिटीजनशिप ऑफ माई ओन स्टेट दैट इज़ पंजाब, दूसरी होनी थी द सिटीजनशिप ऑफ माई नेशन दैट इज़ इंडिया. तो डबल सिटीजनशिप होनी थी, लेकिन इंडिया में डबल नहीं है, इंडिया में है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप, कि जो भी इंडियंस हैं वो उनके पास सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ आर कंट्री. किसी भी स्टेट को हम बिलोंग करें, हमारी जो सिटीजनशिप होएगी वो इंडिया मतलब वन होएगी एज अ नेशन, स्टेट्स की डिफरेंट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. तो कहाँ पे है ऐसी, उसके लिए हमारे पास फ्यू एग्जाम्पल गिवन है हमारी बुक में, दैट हियर इट इज़ रिटर्न. इन अमेरिका ऑल पर्सन्स आर सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब हो गया कंट्री, अमेरिका की बात हो रही है. एंड ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स में इन्होंने एग्जाम्पल दी है लाइक न्यूयॉर्क, टेक्सास और एनी अदर स्टेट, तो जहाँ पे भी वो रिजाइड कर रहा है, रह रहा है. देर इज़ अ ड्यूअल सिटीजनशिप ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, समटाइम इन योर पेपर दे कैन आस्क यू, गिव फर्स्टली वो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप, देन गिव फ्यू एग्जांपल्स वेयर ड्यूअल सिटीजनशिप्स और डबल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड. देन फर्स्टली यू विल गिव द मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, देन एग्जाम्पल्स के लिए लिखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड लिखोगे आप ऑस्ट्रेलिया. ओके, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज अ सिंगल सिटीजनशिप. तो यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है सिंगल सिटीजनशिप की.
फॉर इंडियंस, एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ द सेम राइट्स ऑफ सिटीजनशिप नो मैटर्स इन विच स्टेट ही रिजाइड, कि किसी भी स्टेट में वो रह रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो कहलाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएगा. ओके, सो दिस वी हैव डन अंडर सिंगल सिटीजनशिप. आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अंडर 9th पॉइंट गिवन इन आर बुक, इट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आएगा दैट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड समटाइम नेम ऑफ दोज फंडामेंटल राइट एंड द ड्यूटीज. इसको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिस एबल. तो उन्होंने शुरू करा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिस एबल हैं. इट मीन्स इफ़ वी आर नॉट गेटिंग आर फंडामेंटल राइट्स वी कैन मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट दैट. तो जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी किसी चीज़ को मनवाने के लिए या लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं जस्टिस एबल. देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर देयर इन्फोर्समेंट, कि अगर उन हमें वो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसको लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास एक प्रोविज़न है. इफ़ दे आर वॉयलेटेड, कब हम उस प्रोविज़न के को फॉलो करेंगे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, हमें कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं इंजॉय करने दे रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, उस समय हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दो ही कोर्ट्स हैं ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या अदर कोर्ट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है. तो वी कैन मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट आर फंडामेंटल राइट्स. इस वजह से यहाँ पे लिखा है दीज आर जस्टिस एबल. ओके, देन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है. वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, मीन्स वी ऑल आर इक्वल. राइट टू फ्रीडम, इट मीन्स वी ऑल आर फ्री, वी आर नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, ये होता है कि इफ़ समवन इज़ यूजिंग सम अनदर पर्सन फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट्स ओनली, वो होएगा एक्सप्लॉयटेशन, कि हम अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी और पर्सन को मिसयूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. तो हमारे पास राइट है अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वी कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चर मीन्स वट एवर द कल्चर वी आर हैविंग, हम उसको अपना सकते हैं उसको और फ्लरिश करने के लिए जो भी हम करना चाहें, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि हम उसमें किसी और पर्सन के सेंटिमेंट्स को जहाँ कह लो कि किसी रूल को डिसओबे नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं. एंड एजुकेशनल राइट, तो वी आर देयर टू गेट एजुकेशन. तो बाद में एजुकेशनल राइट में हमारे पास राइट टू एजुकेशन में एक एड ऑन करा गया था कि अप टू 14 ईयर ऑफ एज, 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक हमारे जो भी इंडियन बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी. ये उन बच्चों का राइट हो जाएगा, एजुकेशनल राइट, और उनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी बन जाएगी. देन लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज. तो अगर हमें ये फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, देन जैसे होता है ना हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम उसकी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है, मेडिसिन देता है. तो सिमिलरली अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, देन वी कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट द रेमेडीज ऑफ दैट, इलाज की हमें वो प्रोवाइड करवाए जाएँ. तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर ये ना होता तो ये 5 भी यूजलेस हो जाने थे. ओके, तो यहाँ पे आपको आएगा मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, वेदर दीज आर जस्टिसेबल और नॉट जस्टिसेबल, हाउ मैनी दीज आर, 6 हैं उनके नाम आएंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी इसकी. देन 42nd अमेंडमेंट डन हुई इन द ईयर ऑफ 1976, जिसमें क्या करा गया, पार्ट 4A एड ऑन करा गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या करा गया, ये पार्ट क्यों एड ऑन करा गया 4A में,
दैट इज़ कंटेन सेवरल फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कोई किसी तरह की भी फंडामेंटल ड्यूटी की प्रोविज़न नहीं थी, तो 1976 में अमेंडमेंट करी गई, दैट वॉज द 42nd अमेंडमेंट। तो इससे पहले 41 अमेंडमेंट ऑलरेडी डन हो चुकी थी। तो इसमें एक और चैप्टर एड ऑन कर दिया गया अंडर पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, ऑफ विच द फॉलोइंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो जो कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ऑलमोस्ट जो हम जिसको बोलते हैं ना कि मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो नंबर में 15 हैं। तो उन 15 में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं वो हैं अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी बनती है टूवर्ड्स आर नेशन, कि हम इंडियन जो लोग हैं आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के रह रहे हैं, जैसे भाई भाई होते हैं ऐसे रह रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट भी करना है, अपहोल्ड भी करना है, मीन्स बढ़ा के भी बना के भी रखना है, और जो भी हम कर सकें उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें वो काम भी करना है, और इसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना कि यूनिटी को कोई भी लॉस पहुँचे। एंड द ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो सभी की होती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड मैनी मोर थिंग्स, तो वो है पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी होती है सभी की। तो उसको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है, नुकसान नहीं पहुँचाना है और किसी को भी नहीं पहुँचाने देना है। तो ये हमारी मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि नंबर में, अगर नंबर की बात करी जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हमारी 15 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, और जिसमें सबसे मीन्स कह लो कि इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी बुक में मेंशन कर दी गई हैं। रेस्ट नहीं गिवन है क्योंकि पेपर में आनी भी नहीं है, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन हैं, और एक दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एग्जाम्पल दे दो, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव यहाँ पे जो वर्ड एड ऑन करा गया है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्शंस, प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट बिजनेस को, हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो डायरेक्शंस गिवन हैं, दैट आर अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस ऑफ एवरी काइंड शैल प्रिवेल, मीन्स हर तरह का जस्टिस प्रोवाइड करा जाएगा। कौन करेगा ये जस्टिस प्रोवाइड, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो उनकी ड्यूटी होती है। लाइक अगर हम सेंटर की बात करते हैं, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल, स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल, अगर वो फेल हो जाते हैं, देन वी आर हैविंग आर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर दैट। ओके, देन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शंस दी हैं उनमें क्या दिया गया है, दैट द स्टेट शुड इंश्योर दैट नंबर वन द सिटीजन्स हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स जिंदा रहने के लिए। जैसे जिंदा रहने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो होता है खाना, दूसरा होता है रहने के लिए घर और कपड़े पहनने के लिए। तो मीन्स होते हैं साधन, सोर्सेज। तो जितने मिनिमम रिक्वायर्ड जो साधन हैं, सोर्सेज हैं, एक इंसान को हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। सेकंड इज द इकोनॉमिक सिस्टम डजंट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मींस ऐसा इकोनॉमिक सेटअप नहीं बनाया जाएगा कंट्री में कि जो वेल्थ है, धन दौलत है, वो कुछ एक लोगों के हाथ में इकट्ठी रहे, मींस थोड़े से अमीर हो गए बाकी सारे गरीब हो गए, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। देन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल। हमने जब भी फंडामेंटल राइट्स का पढ़ा था ना, हमने बोला था दीज आर जस्टिसेबल, वी कैन मूव टू कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जस्टिसेबल नहीं है। तो इट्स ओके कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कह लो कि रेमेडी लेने के लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि वो मस्ट करे इसको, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करवाए ही करवाए। इट्स ओके, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कभी स्ट्राइक्स होगी, कभी धरने हो गए, अगर हमें हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं नहीं मिलती हैं, इट मीन्स एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी आर हैविंग द राइट टू प्रोटेस्ट ना। लेकिन ये कोई हमारे पास लीगल अथॉरिटी नहीं है कि हम कोर्ट के पास जाएंगे और वो हमें जितनी भी डायरेक्शन गिवन है हमारी गवर्नमेंट के लिए वो हमें प्रोवाइड करेगी ही करेगी। लेकिन
एज अ ड्यूटी ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव उनको ये जो डायरेक्शंस है फॉलो करनी पड़ती है। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है, जब भी री इलेक्शन होती है हम उन गवर्नमेंट को जिन्होंने उनको फॉलो नहीं करा था दोबारा वोट दे के चूज़ ही नहीं करते हैं, तो उनके मन में एक डर होता है कि हमें ये डायरेक्टर जो प्रिंसिपल्स के अंडर हमें रूल्स रेगुलेशन जहाँ कह लो कि डायरेक्शंस दी हुई हैं उनको वो फॉलो करें। ओके देन येट दे आर फंडामेंटल, तो कह रहे हैं कि ये जस्टिसेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये फंडामेंटल हैं। कैसे हैं, दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कंट्री की तो कंट्री जो है वो तो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ कंट्री, तो इंडिया को रन कौन कर रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, दैट इज़ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ड्यूटी किसकी बनी, गवर्नमेंट की, टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। तो वन एवर दे आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ लॉ रूल रेगुलेशन वो बनाते हैं तो वो अपने दिमाग में रखेंगे इन डायरेक्शंस को। सो दे विल कीप इट इन देयर माइंड कि जो भी डायरेक्शंस गिवन है अंडर डायरेक्टर प्रिंसिपल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर देयर टू फॉलो दोज। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का आपको पेपर में जनरली मीनिंग आता है, लेकिन समटाइम वो पूछ लेते हैं कि इन शॉर्ट कि वेदर इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट और नॉट। तो जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो इन बिटवीन आई विल टेल यू हाउ टू राइट डाउन दैट आंसर ऑल्सो। सो लेट स्टार्ट विद द वेलफेयर स्टेट। क्या होती है वेलफेयर स्टेट? अ वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजन्स अ वाइड रेंज ऑफ, अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करवाएगी जो वेलफेयर स्टेट है, सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड फाइनेंशियल एड। तो जब भी उनको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज है, सिकनेस है, तो अपने सिटीजन्स को जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर तरह की रिक्वायर्ड सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, वो चाहे फाइनेंशियल है, चाहे मीन्स मेडिकल एड उनको चाहिए, चाहे एजुकेशन के लिए हेल्प चाहिए, तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बंदा ओल्ड एज में आ गया है, काम नहीं कर सकता है, तो उसको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। लाइक ओल्ड एज में पेंशंस प्रोवाइड होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, फ्री मेडिकल एड होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इन केस ऑफ सिकनेस यहाँ पे कोई भी बीमार, ज़रूरी नहीं है कि बंदा एज्ड ही है, कोई भी सिक पर्सन है, इफ़ ही और शी इज़ नीडी, तो वेलफेयर स्टेट उसको असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है, हमने पढ़ा था ना कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाएगी, तो अगर उसके पास जॉब नहीं है, वो नहीं कमा पा रहा है अपना घर चलाने के लिए, तो उसको वो हेल्प प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो डायरेक्शंस में दिया गया है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, प्रमोट करेगी उसको। अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द स्टेट इज डायरेक्टेड टू एंश्योर टू द पीपल। तो कौन सी चीज़ें डायरेक्शंस में गिवन है कि जो गवर्नमेंट है वो करेगी, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देगी लोगों को, काम देगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, एंड असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, अगर बंदा एज्ड हो चुका है, अगर सिक है, बीमार है, डिसेबल होता है जो काम नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल अपाहिज है, चोट लगी है, बीमार है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारा कुछ डिसेबलमेंट में आएगा। तो इन कंडीशंस में वो गवर्नमेंट हेल्प करेगी अपने सिटीजन्स को। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने शुरू में आपको बोला था कि यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो यहाँ पे आपने क्या बोलना है, अगर आता है कि यस इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, देन यू विल गिव रीज़न क्यों है, तो आप बोलोगे एज हेयर इन इंडिया गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दिस काइंड ऑफ लाइक मेडिकल केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल हेल्प और एड ड्यूरिंग ओल्ड एज और सिकनेस एंड ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस और यू कैन से प्रोवाइडिंग हेल्प, दैट्स वाई इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट।
ओके विद दिस आर चैप्टर इज ओवर, जिसको हमने टू पार्ट्स में डन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होएगा, और कुछ भी परेशानी हो, फॉर एग्जांपल आपको कहीं और ज़्यादा डिटेल में कुछ चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो अभी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।